हेलो एवरीवन। सो यार, राजस्थान के जिस राउंड की बहुत सारे बच्चों को बेसब्री से इंतजार था, आज वो इंतजार खत्म हुआ एंड फाइनली राजस्थान वाले बच्चों के लिए अलॉटमेंट रिलीज हो चुका है। राजस्थान रीप काउंसलिंग के अलॉटमेंट आज 16 अगस्त 2024 को फाइनली मॉर्निंग के अंदर रिलीज कर दिए गए। बहुत सारे बच्चों को अच्छी अच्छी चॉइसेस अलॉट हुई है, बहुत सारे बच्चे अभी भी निराश हैं, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अब आपका फ्यूचर में क्या कदम होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, जिनको सीट अलॉट हुआ है, जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ है एंड कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सीट अलॉट होने के बाद भी परेशान है, तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए। हालांकि यार राजस्थान है तो बेसिकली यहाँ की जो इकोनॉमी है, दिस इज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ठीक है। एंड जो बेसिकली जो पेरेंट्स चाहते हैं कि यार हमारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करें, तो कुछ बच्चों ने क्या किया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस डाल दिए, ठीक है। जैसे MBM का CSE, RTU कोटा, GEC अजमेर, CTA उदयपुर, उसके बाद में BTU बीकानेर, झालावाड़, करौली, बांसवाड़ा। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, बोलते भैया तू ऐसा कर बेटा, तू ऐसा कर, सारे पहले गवर्नमेंट कॉलेज ही भर दे। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज भर दिए, ठीक है। अब उनको जो अच्छा ब्रांच मिलना था वो भी नहीं मिला। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहला कॉलेज ही बेकार भर देते हैं भैया, जो उनको जो लोअर ब्रांच वाला कॉलेज जो रहता है वही भर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी ने दूसरा ब्रांच ही जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भर दिया और पहला ब्रांच कुछ अदर भर दिया। अब चॉइस फिलिंग जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है, उसको दूसरा ब्रांच ये लोट हो जाता है पहले राउंड में ही। अब अगर उसमें एडमिशन ले लिया तो भी मरेगा, और अगर नहीं लिया तो काउंसलिंग से बाहर, और अगर अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया तो क्या होगा, पहले वाला चॉइस ही मिल जाएगा उसको। कुछ बच्चों की यार बहुत बड़ी समस्या ये आई कि कुछ बच्चों ने क्या किया, जैसे कि कुछ कॉलेजेस डाल दिए, जैसे पहली दूसरी चॉइस में या तीसरी चौथी चॉइस के अंदर BTU बीकानेर, GEC झालावाड़, करौली, बांसवाड़ा। अब यार ये जो लोकेशंस है, जैसे अगर मैं बात करूँ बांसवाड़ा की, जैसे अगर मैं बात करूँ करौली की, जैसे मैं अगर बात करूँ झालावाड़ की, जैसे अगर मैं बात करूँ भरतपुर की, आपको अगर यहाँ पर CSE अलॉट भी हो जाए, देन कैसे आप वहाँ पे, मतलब कहाँ पे ट्रेनिंग करोगे, कहाँ पे वहाँ पे इंडस्ट्री है, कहाँ पे वहाँ पे टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर साइंस अगर इंजीनियरिंग करोगे तो इंटर्नशिप कहाँ पे लगाओ वहाँ पे। हालांकि कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि भैया वहाँ पे मतलब जनरली ये जो रीजन क्या था ये कॉलेज स्टार्ट करने का, पहले गवर्नमेंट का एक मकसद था कि गाँव गाँव में स्कूल, शहर शहर में कॉलेज, तो उसी कारण देश के हर सिटी में, हर जिले में गवर्नमेंट कॉलेज स्टार्ट किए गए। फॉर डेट विजन जो है ये ऐसे कॉलेजेज स्टार्ट हुए। हालांकि यहाँ से इंजीनियरिंग करने का मुझे नहीं लगता, दिस इज माई ओपिनियन, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप जाके एडमिशन ना ले क्योंकि कल ही कॉलेज वाले आ जाएंगे मेरे घर पे नोटिस लेके, ठीक है, कि भाई तू बच्चों को क्यों भड़का रहा है, ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है। इसलिए हम आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम आपका ये डिसीजन नहीं बना सकते कि भाई तू वहाँ पे जाके एडमिशन ना ले, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आई डोंट रिकमेंडेड कि आप ऐसी लोकेशंस पे जाए, लाइक जैसे कि बीकानेर, लाइक जैसे कि झालावाड़, करौली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये जो एरियाज है राजस्थान के, लाइक ये इनको जैसे फॉरेस्ट एरिया बोल सकते हैं, विलेजेस टाइप ऑफ एरिया बोल सकते हैं, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया जिनको हम बोल सकते हैं, जो अनविकसित एरियाज है, या फिर मतलब यू नो हमारे शहरों से काफी दूर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर आपको नौकरी या जॉब भी करना है तो आपको जयपुर, गुड़गांव, नोएडा इधर की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ ही प्रेफरेंस पे, लाइक जैसे कि 5 नंबर पे ऐसी लोकेशंस पे कॉलेज डाल दिए, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे, तो अगर वो वहाँ पे एडमिशन लेते भी हैं और अगर उनको लगता है कि भाई अपवर्ड मूवमेंट पे अच्छा मिल जाएगा, और अपवर्ड मूवमेंट पे उन लोगों ने कंप्यूटर साइंस MBM का डाल रखा है, CTE का डाल रखा है, देन आपका सिर्फ और सिर्फ पैसा ब्लॉक होगा कुछ समय के लिए। हालांकि वो रिटर्न हो जाता है विड्रॉल के बाद में, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है। देन एट डेट कंडीशन आप लोग क्या कर सकते हो, आप ऑफलाइन डायरेक्टली अप्लाई कीजिए, आप अच्छे मेंटर काउंसलर से मिलिए, आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में ट्राई करिए, ठीक है, वो कुछ हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनको जो ब्रांच मिली है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है एंड उनको जाना है भैया सेकेंड राउंड के अंदर, देन एट डेट कंडीशन आपको जो है अपना फीस भरना पड़ेगा, ठीक है। आप अपना फीस पे करिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज में जाइए, या फिर कॉलेज की प्रेफरेंस के हिसाब से उनसे बात कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं, कि आप नहीं कर पा रहे हैं, ये डिपेंड ऑन द कॉलेज। हालांकि बहुत सारे ऑलमोस्ट कॉलेजेस आपको ऑफलाइन कॉलेजों के अंदर ही बुला रहे हैं कि भाई आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आइए,
एंड आप जो है वहां पे रिपोर्ट ऑफलाइन कर सकते हैं, फीस जमा कराइए एंड यू कैन गो फॉर द अपवर्ड मूवमेंट राउंड। ओके, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस ये अच्छी अच्छी ब्रांचेज चाहिए, लेकिन उनकी रैंक बहुत ज्यादा है भैया। हमारी रैंक 3000 प्लस है, 5000 है, 8000 है, 10000 है। देन एट डेट कंडीशन हम क्या कर सकते हैं? देखो यार, बेस्ट ऑप्शन तो हमें जो लगता है, स्पेशली अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, देन यू कैन गो फॉर द आउट ऑफ राजस्थान, लाइक पंजाब, लाइक गुजरात, लाइक महाराष्ट्र। अब भाई इन कॉलेजों के तो काउंसलिंग राउंड खत्म हो चुके हैं। देन यार, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम पिछले 6 साल से काउंसलिंग कर रहे हैं। वी आर वर्किंग सिन 2019 से हम बच्चों के काउंसलिंग कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग द अलॉटमेंट इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस। राजस्थान के अंदर हर साल हम पंजाब के अंदर 200 से ज्यादा बच्चों के अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में अलॉटमेंट दिलाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा अलॉटमेंट दिलाते हैं एंड स्पेशली इन द गुजरात के अंदर अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है। देन अगर आपकी रैंक राजस्थान में आपको अगर बहुत अच्छा अलॉटमेंट नहीं मिल पा रहा है, आपको अगर बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छे प्लेसमेंट के साथ बहुत ही कम फीस के अंदर चाहिए, देन हमारा बोर्ड लाइन नंबर दिया है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से अच्छा कॉलेज दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट दिला सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हम दिला देते हैं आपको बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज विद अ गुड ब्रांच। कुछ बच्चों की क्वारीज है, भैया ये जो प्राइवेट कॉलेज है जयपुर के अंदर, लाइक देट, क्या हम इनमें जा सकते हैं? तो यार बिल्कुल, इन कॉलेजों के अंदर काफी सारी सीटें वैकेंट रहती है। देन जैसे ही आपका रीप राउंड खत्म होगा, आप इनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, कॉलेजों के अंदर विजिट कर सकते हैं एंड आपका जो एडमिशन है वो हो जाता है। अभी आप वो भूल जाइए कि भाई मैनेजमेंट कोटा होता है, वो कोटा होता है, अब सब खत्म हो गया है। अब आपका सिर्फ नॉर्मल एडमिशन ही होगा, उतनी ही फीस लगती है। ये सिर्फ और सिर्फ कहने को मिथ है कि भाई 6 लाख एडमिशन लगेगा, 10 लाख लगेगा, 12 लाख लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एवरेज फीस अगर मैं बात करूं राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजों की, तो अप्रोक्स जो है 70,000 पर ईयर, यानी कि आप एक सेमेस्टर के 40,000 मान के चल सकते हो। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कुछ स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करती है, कुछ कॉलेजेज आपको स्कॉलरशिप देती है। कुछ बच्चों के ये सवाल होते हैं कि भैया आपको गवर्नमेंट कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन कैसे मिलेगा, इसका क्या प्रोसेस होता है? डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप कॉलेज से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही सीटें वैकेंट रहती है, कॉलेज आपको ऑफिशियली इनवाइट करती है एट ऑफलाइन मोड, क्योंकि ऑनलाइन मोड में तो आप लोग ऑलरेडी इतना टाइम लगा चुके हो। अगर कॉलेजेस फिर भी अगर ऑनलाइन चलते रहेंगे तो उनके तो राउंड आने में अगला साल बीत जाएगा। देन एट डेट कंडीशन कॉलेजेस यही बोलते हैं कि भाई एक बार में सारा का सारा निपटारा खत्म करो और एक बार में जिनको सीट चाहिए आ जाओ, जो पहले आएगा पहले पाऊगा, वो वाला सिस्टम चलता है। तो आप कॉलेजेस में विजिट करके डायरेक्टली सीटों में एडमिशन ले सकते हो। फिर भी अगर आपकी कोई और भी क्वारी रह जाती है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपको अच्छे कॉलेजों में अच्छा अलॉटमेंट चाहिए, उसके लिए भी हम आपको 24/7 अवेलेबल है टू प्रोवाइड द अलॉटमेंट, स्पेशली एट गवर्नमेंट कॉलेजेस इन द CSE एंड IT एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और भी आपके कोई सवाल है, आप हमें व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर सकते हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।